नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टी न्यूज में। मैं हूँ काजल। आज ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के शाहजहांपुर में एक शिक्षक पर धार्मिक तरीके से अभिनंदन ना करने पर बच्चों की बेरहमी से पिटाई का मामला आया है सामने। आरोप है कि चांद मियां नाम के शिक्षक ने बच्चों से सलाम ना कहने पर उनकी पिटाई की। इस घटना के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आरोपी शिक्षक को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तिलहर ब्लॉक के बिलहरी गांव में बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षक के खिलाफ लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक चांद मियां के सलाम न कहने पर कई बच्चों की पिटाई की बात सुनी। बच्चों ने टीचर को गुड मॉर्निंग तो बोला था, लेकिन चांद मियां नाम का शिक्षक बच्चों से सलाम करके अभिनंदन करने को कह रहा था। इसी बात से नाराज होकर टीचर ने कई बच्चों को बुरी तरीके से पीट दिया। इस घटना के बाद बच्चों के अभिभावकों ने गांव में निरीक्षण को आई प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा से इसकी शिकायत की। इन सारी घटना के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बच्चों और उनके माँ बाप का आरोप है कि स्कूल का टीचर बच्चों को सलाम कहने के लिए विवश करता है। हालांकि बच्चों को पीटने वाले आरोपी टीचर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं और मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने जांच के आदेश के बाद आज पूरा शिक्षा विभाग का अमला गांव पहुंचा। अधिकारियों ने बच्चों एवं उनके माँ बाप के बयान लिए। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में लीपापोती करके आरोपी टीचर को बचाने में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी टीचर को सस्पेंड करके मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी शिक्षक धार्मिक प्रवृत्ति का है और उसे गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है। यही वजह है कि वह बच्चों से सलाम कहकर अभिनंदन करवाना चाहता था, लेकिन बच्चों और गांव वालों द्वारा इस बात के विरोध के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे इलाके में इस टीचर की करतूत से लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। उस दिन से हमने पादा था, हम लोग सब लोग हंस पड़े, तभी हमें भी मारा और उनसे सलाम वालेकुम नहीं करो, भाई गुड मॉर्निंग नहीं करो तो कहते हमसे गुड मॉर्निंग मत करो, सलाम वालेकुम करो, सलाम वालेकुम करना नहीं आता, तभी हमें मारते। नहीं मना, हम तो बाल मेला लगाते हैं, आपको फोटो दिखाए अभी पड़े हुए सब। नहीं, उनका आरोप है कि आपने पुष्पांजलि नहीं। अच्छा, ये झंडा रोहण होता है, पुष्पांजलि होती है बराबर, इसमें हम नहीं करते, हम पुष्पांजलि क्यों नहीं करेंगे भाई। मीन्स बच्चों को मारने का मेन कारण क्या था कि बच्चों को आपने मारा? अब लोगों को हंसी आ गई, उनको भी हंसी आ गई, तभी सर उठ के आए, उन्होंने हमें मारा। तब अगर हम सबको नहीं मारा, हम दोनों को मारा, तभी जब गुड मॉर्निंग करो तो कहते हैं गुड मॉर्निंग लेते नहीं, नमस्ते करो तो भी नहीं लेते, कहते हैं सलाम वालेकुम करो, हमें करना ही नहीं आता, और अगर ना करो तो मारते हैं। एक तो पीटने की घटना थी और दूसरा अभिवादन से संबंधित था कि इस्लामी का अभिवादन करने के लिए बाध्य करते हैं। तो मैंने जो बच्चों से, क्योंकि जो मैं सुबह आया था उसके पहले ही हेडमास्टर को हमने हटा, मतलब आने के बाद हटा रखा था, और प्रत्येक बच्चे से मैंने बयान लिखित कर दिए और मौखिक भी पूछा, तो ये निकल के आया कि अभिवादन जो बच्चे जिस रूप में करते उस रूप में करते, लेकिन पीटने की घटना जो है ये सत्य पाई गई। और उस दिन जो बच्चे आए थे उन लोगों ने उसकी पुष्टि की और हेडमास्टर ने भी उसको स्वीकार किया, क्योंकि आरटी एक्ट के तहत दंड प्रतिबंधित है, इसलिए उसमें दंडात्मक कार्रवाई जो है की जाएगी और इसमें प्रथम दृष्टया ये पाते हुए निलंबन की कार्रवाई होगी और तदुपरांत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की दंड।